गाड़ी को लाके लगा दो, अंदर में बैठ जाओ और गाड़ी धुलते रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं उठ गया हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मुझे जाना है दूर वाले क्लब में। तो मैंने बैग पैक कर लिया है और ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फटाक से पहले चलते हैं क्लब की ओर और देखेंगे रास्ते में अगर कुछ खाने को मिलता है तो कुछ खा लेंगे। तो गाइस मैं कार पार्किंग में आ गया हूँ और यहाँ पे हैप्पी मार्ट है, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कुछ ब्रेड नहीं तो कुछ भी खाने का सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ले लूँ। यहाँ पे ब्रेड का काफ़ी सारा वेराइटी है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रेड लें। ये ले लेते हैं। तो गाइस बात ये है कि अभी मेरी क्लास है 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा लंच करने। लंच करने के बाद मुझे जाना है फिर से जहां पे मैंने हेल्थ चेकअप किया था हॉस्पिटल में 2:30 बजे। उन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया था बट एक पेपर लेना बाकी रह गया था, तो अब वो कलेक्शन टाइम होता है वो लोगों का 2:30 बजे। तो मुझे अभी फिर 2:30 बजे फिर हॉस्पिटल जाना होगा, तो मैं घर नहीं आऊँगा लंच करने के बाद। आज बाहर ही मैं लंच करूँगा, घर पर नहीं बनाऊँगा। लंच करने के बाद वापस से हॉस्पिटल जाऊंगा, वो वाला पेपर लूंगा, फिर उसके बाद 3:30 बजे घर पे आऊंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं 9 बजे घर से निकला था और 3 बजे आऊंगा और इस बीच में एक क्लास, लंच और पेपर लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद शाम की मेरी क्लास है। तो निकल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। तो गाइस फाइनली टाइम से पहुंच गए क्लब के पास। ये वाला क्लब दूर है और सुबह सुबह आने में बहुत जाम रहता है, इसीलिए जल्दी निकलना पड़ता है, बट पहुंच गए। तो गाइस फाइनली रेडी फॉर क्लास और ब्रेड भी मैंने खा लिया, तो चलते हैं शुरू करते हैं अपना क्लास। A few moments later. तो गाइस आज की मेरी मॉर्निंग की क्लास हो गई खत्म और अब मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। तो आसपास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो चलते हैं वहाँ पे। लंच करने से पहले मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में तेल भी ख़त्म है, तो जाके तेल ले लेते हैं, मतलब पेट्रोल ले लेते हैं और फिर चलते हैं लंच करने। ये देखिए गाइस गाड़ी धुलाने का नया तरीका, जैसा कि US में होता है, गाड़ी को लाके लगा दो, अंदर में बैठ जाओ और गाड़ी धुलते रहेगा। हो गया है टंकी फुल और अब 1 सप्ताह के लिए हो गए निश्चिंत। सामने के हॉल में खाने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है चिकन राइस साथ में एग। ये देखिए काफी अच्छा और बिना तेल वाला। पूरा खा के चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से लेना है एक स्लिप जो कि मैं भूल गया था, तो वहाँ जाके लेते हैं। गाइस अभी हुआ है लंच ब्रेक, देखिए कोई नहीं बैठा है और मैं अपना पासपोर्ट लेके आ गया हूँ देने के लिए। ये वाला स्लिप देंगे तो वो लोग दूसरा वाला स्लिप देंगे। गाइस फाइनली मिल गया है मुझे वो वाला पेपर, यही वाला पेपर था जो मुझे नहीं मिला था, तो आज ले लिया ये वाला पेपर और अब चलते हैं फटाक से घर। तो गाइस फाइनली घर पे आ गया और मैंने आपको बोला तो देखिए 3 बजने जा रहा है, काफ़ी थक गया हूँ। और मुझे कल रात में मेंबर ने एक गिफ्ट दिया था, आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा और अच्छा डेलिकेसी है। तो गाइस देखिए यही डेलिकेसी मेंबर ने दिया है, अंदर में पूरा चॉकलेट भरा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो वो अनखांग चाइनीज में। तो अब गाइस काफ़ी थक गए, अब जाते हैं 1 घंटा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर इवनिंग का क्लास जाएंगे। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मच लव, पीस आउट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।